हेलो गाइस, सो वेलकम बैक ऑन माय चैनल परवीन फिटनेस लाइफस्टाइल, जहां मिलता है ज्ञान आपको फिट रहने का। तो आज की जो हमारी वर्कआउट रहेगी वो रहेगी बिगिनर्स के लिए। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है चेस्ट की, हम फुल वर्कआउट बताएंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी कि अभी हम बिगिनर्स के ऊपर ही मोस्टली काम करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहेगी चेस्ट की वर्कआउट। तो बिना देरी के चलिए शुरू करेंगे। तो जो हमारी पहली, मैंने पहले ही बताया था कि स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरुआत में पहले अपने हाथों को थोड़ा सा, चेस्ट को थोड़ा सा ऐसे स्विंग्स करें ताकि थोड़ा चेस्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन तेज हो। तो कुछ इस तरीके से आप ऐसे करेंगे, और इसके बाद आप क्या करेंगे कि दो या तीन सेट कम से कम डिप्स लगाएं, जितनी भी आपकी आपकी क्षमता है। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी जिसके अंदर हम क्या लगाएंगे, दो या तीन सेट पुशअप्स लगाएंगे, जिसकी रेपिटेशन अपने अकॉर्डिंग रखें, क्योंकि शुरुआत में अगर गलत मारेंगे तो वो इससे बेटर है कि कम मारें। तो इसीलिए चलिए फिर हम आपको डिप्स मारने का सही तरीका दिखाते हैं, बिकॉज ये भी बहुत लोग गलत करते हैं। तो प्रॉपर नीचे डाउन आ जाएंगे, चेस्ट को अपनी अप रखेंगे। अब ये जो दोनों हैंड्स है हमारे, ये शोल्डर के हल्के से साइड में रहेंगे, एंड जो हमारा ये वाला पार्ट है ये हमारा हैंड्स के हल्का सा आगे रहेगा। प्रॉपर चेस्ट अप रखेंगे और नीचे थोड़ा डाउन करेंगे, वन इस तरीके से स्लो डाउन, टू, चेस्ट को हमेशा अप रखें, थ्री। तो कुछ इस तरीके से आपको दो या तीन सेट डिप्स लगाना है जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाए और आपका जो चेस्ट है वो रेडी हो जाए एक्सरसाइज के लिए। तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी फ्लैट बेंच प्रेस, ऑलमोस्ट सभी जिम में मिल जाती है। पोजीशन क्या रहेगी, सबसे पहले देखिए प्रॉपर लेटना है, इसके बीच में आपका गैप रहना चाहिए, चेस्ट हमेशा अप, इसके बीच में गैप, हाथ रहेंगे जो आपके शोल्डर से थोड़े से बाहर, ये शोल्डर से बाहर हो गए हमारे। अब इसको लिफ्ट करना है इस तरीके से, स्लो डाउन ले जाएं चेस्ट के मिडिल हेड पे, वन, और ऊपर पंप की तरफ, वन इस तरीके से स्लो, टू इस तरीके से स्लो, थ्री इस तरीके से। आपको इसके तीन सेट लगाने हैं। तीन सेट में क्या रहेगा, रेपिटेशन जो आपकी रहेगी, फर्स्ट सेट जो आपका रहेगा वो रहेगा वार्म अप सेट, यानी आप बिना वेट के मारेंगे, जिसमें 18 से 20 रैप लगाएंगे। फर्स्ट सेट आपका होगा वर्किंग सेट, जिसके अंदर आपकी रेपिटेशन रहेगी 15 रैप, सेकंड सेट में आपके 12, एंड लास्ट सेट इस तरह टारगेट करें कि 8 या 9 रैप आप उसे निकाल सके। अब सेकंड एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी इंक्लाइन पे डंबल प्रेस। तो इसके अंदर क्या है, ऐसे 45 डिग्री पे एक होता है प्रॉपर सीधा 90, एक होता है उसका आधा, यानी 45 डिग्री पे आपका बेंच रहेगा। डंबल को उठाने का तरीका होता है ये, देखिए आपको दिखाना चाहूँगा। डंबल कभी भी उठाएं तो इस तरीके से ऐसे उठा के इस पे रखें और ऐसे पंप करें अपने ऊपर इस तरीके से, चेस्ट अप रखें, लोअर बॉडी टाइट, एंड इसको इसी पोजीशन में उठाएं, वन, ऊपर जाते वक्त ब्रीद आउट करें, टू, नीचे आते ब्रीद इन, थ्री, फोर। प्रॉपर चेस्ट को टाइट करें, एकदम लोअर बॉडी को टाइट करें, चेस्ट को एकदम टाइट करने की कोशिश करें, और स्लो डाउन लाएं पूरा यहाँ तक, मैक्सिमम लिमिट तक लाएं। और इस तरीके से आपको इसके भी तीन सेट करने हैं, जिसके अंदर आपकी क्या रेपिटेशन रहेगी वो रहेगी वही सेम 15 रैप, सेकेंड सेट में 12, एंड थर्ड सेट आपकी जो रहेगी वो 8 से 9 रैप। इतना वेट उठाएं कि आप 8 से 9 में आपको लगे कि ये हैवी है, ऐसा ना हो कि आप 8 रैप को इस तरह लगाए, वन, टू, इजी नहीं होना चाहिए, आपके लिए डिफ़िकल्टी होनी चाहिए उस 8वें रैप को लेने में। थर्ड सेट रहेगा वो सेम इसी बेंच पे, सेम उसी एंगल पे डंबल फ्लाई रहेंगे, इसमें पोजीशन देखेंगे आप। इसको ट्राई करें शुरुआत में हल्के वेट से, बिकॉज इसमें अनबैलेंस बहुत ज़्यादा होता है शुरुआत में। तो इस तरीके से वेट को उठाया, लोअर बॉडी टाइट करके, चेस्ट को अप करके, और अपनी अपर चेस्ट को टाइट करेंगे, यानी इस ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से, वन। अब इसको धीरे धीरे खोलें, बस जहाँ लिमिट हो वहीं तक, टू, दोबारा चेस्ट को अप, स्लो डाउन नीचे की तरफ,
अपर चेस्ट को टाइट करें हमेशा ऊपर आते वक्त। फोर, इस तरीके से। इसके अंदर क्या है, इसमें भी आपकी जो रेपिटेशन रहेगी वो 15-16 फर्स्ट सेट रहेगा, सेकंड सेट में आपकी वही 12-13 रहेगी, और लास्ट सेट सेम 8 रेपिटेशन तक आपको निकालने हैं। तो जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज रहने वाली है वो रहेगी हमारी केवल फ्लाई, जो हमारी चेस्ट के ऊपर प्रॉपर चेस्ट को शेप देने के काम में आएगी। तो जो लोग की शिकायतें होती है कि भाई यहाँ का फैट बहुत ज़्यादा है, यहाँ की चर्बी बहुत आ रही है, ये इसको भी डिक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सिंपली आपको कुछ इस तरीके की दो इक्विपमेंट है, मोस्टली जिम में रह जाते हैं। तो इस तरह लाएं, चेस्ट को अप रखें, लोअर बॉडी टाइट, और इसको चेस्ट के मिडल हेड, जहाँ मिडल है चेस्ट की, उस पोजिशन पर हिट करें लाइक दिस। वन, चेस्ट प्रॉपर टाइट रखें इस तरह, जान दे जितना चेस्ट ज़्यादा फ्लेक्स हो रहा बस वहीं तक। टू, इस तरीके से। थ्री, अगर ज़्यादा पीछे ले जाओगे तो ये पोजीशन मेरी शोल्डर पे आ गई, ये मेरे चेस्ट पे नहीं आएगी, तो ट्राई करें इससे ज़्यादा पीछे ना जाए। वन, टू, इस तरीके से। थ्री, इस तरीके से आपको इसके अंदर जो रेपिटेशन रहेगी, रेपिटेशन इसके अंदर इस तरह है कि 15-18 रैप लगाएं फर्स्ट में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है एक चेस्ट को शेप देने के लिए प्रॉपर शेप में। सेकंड सेट में आप लोग लगा सकते हैं 12-15, एंड थर्ड सेट में आप लोग लगाएंगे 8-10 रैप्स इसके अंदर प्रॉपर है, ठीक है, करें स्टार्ट कर दिया क्या। तो जो हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज रहने वाली है विच इज बटरफ्लाई, तो पहले के टाइम में इसे बटरफ्लाई करते थे, आजकल इसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया, अब ये वो पहले बटरफ्लाई यूं हुआ करती थी तो वो नहीं है, उसका थोड़ी सा पोजीशन चेंज हुआ है। तो चलिए आज इसको समझते हैं। जो हमारी फिफ्थ साइज है, बटरफ्लाई मशीन का नाम है, अभी तुमको पता है। अब इसके अंदर जो पोजीशन देखिए, जो ये है लोअर बैक प्रॉपर टाइट रहेगी, इसके बीच में हमारे जो ये इस पार्ट है इसके बीच में गैप रहेगा, चेस्ट अप रहेगी, और ये आपके जो जहाँ चेस्ट है उसके मिडल में हेड हिट करेगा। ये देखिए, अब इसको स्लो स्लो छोड़िए और चेस्ट को भी धीरे धीरे छोड़िए इस तरीके से। वन, थोड़ा होल्ड करें, स्लो डाउन। टू, चेस्ट अप, चेस्ट को देखिए मेरे किस तरीके से मैंने चेस्ट को टाइट किया हुआ है। थ्री, फोर, इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, जिसकी रेपिटेशन रहेगी 15-16 रैप फर्स्ट सेट में, सेकंड सेट से आप वही 12-13 पे आएंगे, एंड हमारा लास्ट सेट जो रहेगा 10-11 रैप्स रखेगा, क्योंकि ये अच्छी एक्सरसाइज है, ये भी एक मसल को डिक्रीज करके एंड मसल मास बनाने में। तो ये हमारी पाँच एक्सरसाइज थी बिगनर्स के लिए। चेस्ट की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो रहने वाली है पुल ओवर। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक डंबल लीजिए, तार अटक गया इसमें तो इस तरीके से जो अपना हेड एंड लोअर, ये सॉरी अपर बैक का जो हाफ पार्ट है, ये आपकी बेंच पे रहना चाहिए ताकि इंजरी ना हो। ये देखिए, अब अपने डंबल को उठाइए, लोअर बैक को टाइट करिए, एंड पीछे की तरफ इसको गिराइए, ये आपकी अपर चेस्ट पे आएगा। वन, इस तरीके से आगे टाइट, अगेन स्लो डाउन पीछे की तरफ जहाँ तक लास्ट फ्लेक्स हो पाए। ट्यू, अगेन पीछे की तरफ गिराइए, ये आपकी इसका जो सपोर्टिंग मसल है वो बैक एक्सरसाइज में भी इसे यूज़ करते हैं, तो आप इसे बैक की एक्सरसाइज में यूज़ कर सकते हैं और चेस्ट की एक्सरसाइज में भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इसकी जो रेपिटेशन रहेगी वो रेपिटेशन इसके अंदर आप वही 15-16 फर्स्ट सेट में लगा सकते हैं, सेकंड सेट में आपको स्वयं वही 10-12, एंड थर्ड सेट 8-9 रैप। इस तरीके से आप वेट को स्लोली स्लोली बढ़ाते भी जाएंगे सभी सेट्स के अंदर। तो ये थी हमारी बिगनर्स की जो फर्स्ट डे यानी चेस्ट की फुल वर्कआउट। आपको जिस सीरीज़ में मैंने परफॉर्म किया है, आप भी इसको उसी सीरीज़ में परफॉर्म करें, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने सभी नए फ्रेंडों जिन्होंने अभी नई नई जिम ज्वाइन करी है उनको आप ये शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।